गोवा में आपने गोवन फूड तो बहुत खाया होगा। क्या आपको पता है कि उसमें डलने वाला सीक्रेट मसाला कैसे तैयार किया जाता है? तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ गोवा की हार्डवर्किंग लेडी के पास, जो कि बड़ी बड़ी मशीनों में डेली का बनाती है 1000 किलो गरम मसाला, जिसको पूरे गोवा में सप्लाई किया जाता है। तो चलिए आपको गोवन सीक्रेट गरम मसाला की पूरी मेकिंग दिखाते हैं। आज मैं चिकन मसाला, वेज मसाला दोनों बना रही, और हमारा मिर्ची इतना महंगा है, ये मिर्ची 1000 किलो है और ये तो 900 ये मिर्ची को कहता है बुट्टी मिर्ची। अभी तो पहला मैं मिर्ची डालो। पहले हमें मिर्ची डाल दी गई है, इसको अच्छे से भून लिया जाएगा। हाँ, भूनने जाएगा तो इसको खोलने में 5 मिनट लग जाएंगे। नहीं, 10 मिनट लगता है। फिश करी का भी मसाला मिलता है, हम सब खुद बनाते हैं, बाहर का नहीं। तो अभी तो धनिया भुना जाएगा। हाँ, ये धनिया है। तो आपने मसाले बनाना कहाँ से सीखा है? मेरी मम्मी बनाती थी पहले। हाँ, उसका मैं सीख गई हूँ। लोग बोलते हैं कि आपके मसाले का स्वाद आता है। हाँ, बहुत इधर से बाहर कंट्री में भी जाता है, फॉरेन में, ओ कुवैत, दुबई, लंदन। इसको तो लवंग कहता है, मैं डाल के दिखाती हूँ। लवंग का भी यहाँ पे भुना जा रहा है। हाँ, सभी मसाला भुनना चाहिए। ये उतने में उतना ही क्वांटिटी डाला ना तो ही मसाला अच्छा बनता है। अभी देखो ये भी भुन गया। हाँ, क्योंकि इसका भी आवाज आने लगा। इसको तो बड़ी शॉप कहता है, शॉप। ये तो सब जल्दी जल्दी होता है, तो टाइम नहीं लगता है, सिर्फ मिर्ची गुनने को तकलीफ होती है। जायफल, जैसे फटना स्टार्ट हो जाता है, ये समझ लो भून चुका है, भून चुका है, इसको निकाले जाएगा। इलायची एक टाइप की, और इसको बोलता है मसाला इलायची, बड़ी इलायची। हाँ, बड़ी इलायची। छोटी इलायची, हाँ। अभी तो ये इसको क्या कहता है फल में, पत्री, जायफल की पत्री। इसमें अंदर जायफल होता है और बाहर ये पत्री आती है। 20 किलो मसाला गूंदने को आधा दिन लगता है। इसको तो दगड़ फूल बोलता है, चक्री फूल। जीरा ये डालेंगे बाद में, और एक है जीरा टाइप का, साई जीरा बोलता है इसको, साई जीरा। हाँ, दालचीनी हो गई। ये तो हमारा खुद का काली मिर्च है, घर में लगा हुआ। ये खसखस बोलता है इसको। ये तो सरसों है। हाँ, सरसों और उड़ीद दाल, मेथी। हाँ, ये मेथी है। अभी ये क्या है मालूम है? ये है तेज पत्ता, ये है ऑल स्पाइसेस पत्ता, ऑल स्पाइसेस, और करी पत्ता। ये सिर्फ नाम चिकन मसाले को डाल सकता है, वेज को नहीं डाल सकता है। ये कट करके सुखाया है, अदरक बाजार से ला के धो के कट करके सुखाया है। दोनों ही उसको डाल सकता है, चिकन मसाले को, वेज को नहीं डाल सकता है। अभी मैंने ये सब मसाला भून लिया है, अभी मैं ये सब मसाला ठंड हो गया, अभी मैं मशीन में डालती हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो गरम मसाला रेडी किया गया था, उसकी पिसाई वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब आधे से एक घंटा इसकी अच्छे से पिसाई की जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी मशीन लगी है, कितने सारे यहाँ पे मसाले पीसे जा रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं, मोटर से यहाँ पे मसाले की पिसाई चल रही है। दोनों मसाले में फर्क यही रहता है कि चिकन मसाले में अदरक और लहसुन डालता है, और वेज को वो दोनों चीज नहीं डालता है, इतना ही फर्क है। हम 18 टाइप के मसाले डालते हैं, 18 टाइप। गावटी हल्दी पाउडर मिलता है, और धनिया का भी पाउडर मिलता है, और आमचूर का भी पाउडर मिलता है। सब हमारे गोवा में अटम्बा कहते हैं, अटम्बा सोल की पाउडर मिलता है। हम सब खुद बनाते हैं, बाहर का नहीं। ये हमारा मसाला रेडी है। तो मसाला हमारे यहाँ पे अच्छे से पीस के आ चुका है, 2 घंटे का प्रोसेस था, 2 घंटे में अच्छे से मसाला पीस चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है? अभी पैकेट में पैक करने का। पैकेट में पैकिंग रहती है? हाँ, मैं पहला अकेले से स्टार्ट किया था, मेरा हस्बैंड तो बाहर गांव में था। बाद में मेरे बच्चे जब बड़ा हो गए, तब मैंने उसको कहा हम दोनों इधर ही चक्की पे काम करके पेट भरेंगे। तब हम दोनों ने 8 साल तक ये चक्की चलाई। बाद में वो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद उसको जरा पेट में कैंसर हुआ। 2 साल तक उसको बहुत दर्द हो गया ऑलरेडी, वो बाद में चला गया छोड़ के। अभी 2 साल हो गया वो नहीं है। बाद में मैं अकेली पड़ गई, बच्चे तो इधर आता ही नहीं। आया तो कभी कुछ टूटा फूटा तो ठीक करने को बेटा आता है, वो तो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन उसका तो दूसरा बिजनेस है। ये सब मैं संभालती हूँ। तभी जाने से पहले मेरे पति ने मेरे को बोला था, तू अभी अकेली काम मत करना,
एक दो लेबर रख के काम कर, मैं तो अभी बीमार हो गया, तुम भी बीमार पड़ेगी तो बच्चे को कौन देखेगा, इसलिए ये लेबर रखना पड़ा। नहीं तो सब काम मैं अकेली करती थी पहले, ना मशीन में एक बार सब अकेली चलाती थी। एकदम अच्छी क्वालिटी का मसाला देखो तो यहाँ पैक किया जा रहा है, और देखो तो मैम यहाँ पे इसको खुद तैयार करते हैं, अब इसका यहाँ पे वेट कर लिया जाएगा। तो अच्छे से देखो तो यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर दी जाएगी, ब्रांडिंग इसमें लगा दी जाएगी। ये मेरा तो योजना का किसी को मसाला ऑर्डर करना है कैसे कर सकता है? यहाँ से फोन पे कर सकता है 9049556543। ये हमारा अभी ना, पहले हम इसको 1200 में बेचता था, अभी 1500 हो गया है चिकन मटन मसाला, क्योंकि मिर्ची भी उतना इस साल महंगा हो गया ना, और ये तो हम 1200 में भेजेगा। भेज आपकी टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक, 1:30 बजे वो लोग खाना खाने को जाता है, और 2:30 बजे आता है, और 3 बजे शुरू करता है। और हफ्ते में कितने दिन खुला रहता है? हमारा हर रोज खुला रहता है, सातों दिन खुला है। हाँ, ये इसको कभी छुट्टी चाहिए तो मैं भेज देती हूँ और मैं देखती हूँ। तो एड्रेस बता दीजिए, गोवा में किसी को मसाला लेना हो तो कहाँ से ले सकते हैं? हाँ, गोवा में किसी को मसाला चाहिए तो योजना फ्लोर मिल में आने का, मैं एक खुद बनाती हूँ और खुद बेचती हूँ, और अच्छा क्वालिटी का है।